योगी जी एंट्री मारेंगे चाहे कितने जोर लगा लियो। हम तो पहले से कांग्रेसी हैं पर आपको साइकिल को वोट देंगे, कांग्रेस में हमारी में थोड़ी जान नहीं है। अखिलेश की सरकार में क्या हुआ था? सारे भ्रष्टाचारी हैं उसमें, सारे गुंडे जो है सब उन्होंने उन्हीं को टिकट दे रखे हैं, भ्रष्टाचारी हैं वो। इतना काम जो इस टाइम में हुआ वो नहीं हुआ। हर किसी के दिमाग में परसेप्शन था अरे यूपी जा रहे हो मत जाओ यहीं रुक जाओ, वो काफी चेंज हुआ है, डेवलपमेंट आई है। ऐसा तो नहीं कमाई से बनाए थे, लूट के लोगों का बनाए थे, तो बुलडोजर तो चलना ही चाहिए। सब कुछ बा योगी में। कौन है योगी जी? मोदी जी है। मोदी जी कौन है? प्राइम मिनिस्टर। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सोनाली। यूपी में चुनाव का बिगुल बज चुका है, ऐसे में अब असली ताकत जनता के हाथ में है। जनता का मूड समझने के लिए कैपिटल टीवी की टीम पहुंच चुकी है विंडसर मार्केट में। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी, मैं इस फेमस स्टॉल के सामने खड़ी हूं और यहां पे इनके शॉपकीपर से बात करूंगी। भाई साहब क्या नाम है आप? मेरा नाम हरप्रीत सिंह। हरप्रीत जी किसको वोट देने वाले हैं इस बार 2022 के चुनाव? ऑब्वियसली बीजेपी। क्यों? बहुत तरक्की हुई है, जैसे फ्लाईओवर्स बने हैं, गुंडागर्दी कम हुई है और आने वाले माहौल जो रात को हम लोग 10 बजे 12 बजे के बाद आते थे तो वो डर था वो ख़त्म हो गया है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं। कोरोना की मार आई, सरकार से कुछ मदद मिली कि नहीं मिली? नहीं, वो तो नहीं मिली। ठीक है पाजी, आपसे पूछना चाहूँगी क्या लगता है 2022 के चुनाव में क्या होने वाला है? बीजेपी आएगी। क्यों? काम किया है बीजेपी ने, जैसे कि डेवलपमेंट हुई है इधर, रात को हम सेफ नहीं निकल सकते थे बाहर 10 बजे के बाद, हर किसी के दिमाग में परसेप्शन था अरे यूपी जा रहे हो मत जाओ यहीं रुक जाओ, वो काफ़ी चेंज हुआ है, डेवलपमेंट आई है। अब इस बारी बहुमत के साथ आए ना आए वो एक क्वेश्चन है, बट हाँ डेफिनेटली बीजेपी आएगी। रोजगार मिला योगी सरकार में? मैम सड़क पर खड़े होकर स्टॉल लगा रहे हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं, मार्केट की तरफ चलते जाते हैं, आपको दिखाते हैं अंकल जी खड़े मेरे साथ। अंकल जी क्या लगता है 2022 के चुनाव में क्या होने वाला है? होगा जी साइकिल का पक्का। साइकिल का होगा? पक्का। क्यों? काम किए हैं। क्या काम किए? उन्होंने तो भूखा मार दिया सबको, दुनिया को मोदी सरकार ने सबको भूखा मार दिया, सब देख लो कैसे बुरी हालत है, किसी से बोल लो आप साइकिल का होगा अब की बार। हम तो पहले से कांग्रेसी हैं पर आपको साइकिल को वोट देंगे, कांग्रेस में हमारी में थोड़ी जान नहीं है, तो ये है थोड़ा सा बस। लेकिन योगी सरकार ने तो वादा किया था राशन का, फ्री राशन। फ्री राशन जो खाते हैं वो फ्री का राशन कहाँ से निकाल रहे हैं? सब यहीं से निकाल रहे हैं, हमारे तुम्हारे में से निकाल रहे हैं वो। भाई गैस सिलेंडर पहले कितने का था ये बताओ तुम मुझे, गैस सिलेंडर कितने का, पेट्रोल का रेट हो गया, तो ये है सारा। तो विकास नहीं हुआ है कुछ कह रहे हैं? अरे नहीं कुछ नहीं है, गरीबों की मार हो गई। हाँ ठीक है, क्या लगता है भैया जी गरीबों की मार हुई होगी सरकार में? जी हाँ ना सही कह रहे हैं। किसकी सरकार बनने वाली 2022 में? अब देखो ये तो आने वाले टाइम पे ही मालूम पड़े किसी। तो आप किसको वोट देंगे? अब देखो टाइम पे ही बताएंगे क्या। किसी का तो काम अच्छा लगा होगा, किसी सरकार का काम अच्छा लगा आपको? अब इससे तो ये बताएंगे, हमसे ज्यादा बुजुर्ग हैं। ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं, लोगों से बातचीत करते रहेंगे, घूमते रहेंगे। लिट्टी चोखा के स्टॉल पे हूँ मैं, बिहार के मशहूर लिट्टी चोखा। भैया जी क्या नाम है आपका? ललन सिंह। कब से लगा रहे हैं आप स्टॉल? ये हो गया दो तीन साल हो गया। क्या लगता है 2022 के चुनाव में यूपी में किसके सर पे ताज सजेगा? बीजेपी का। तो क्यों? यही तो अच्छा ही होता है। मैं क्या क्या काम किया बीजेपी ने? सभी तो सही है बड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते रहेंगे। एक महिला मौजूद है मेरे साथ चौमिन के स्टॉल पे। मैडम क्या लगता है 2022 में क्या होने वाला है, किसकी सरकार बनेगी? मैं तो योगी जी की सरकार अच्छी लगती हूं। क्यों योगी जी की? क्यों? वो अच्छा काम करते ना यूपी में, बहुत अच्छा काम कर रखा उन्होंने। भैया जी क्या लगता है 2022 के चुनाव में किसकी सरकार? योगी की सरकार। क्यों? अच्छा काम करा मैं उन्होंने। क्या अच्छा काम किया? जैसे कि रोड बहुत अच्छी बनी है, गरीब लोगों को सरकारों को मतलब गरीबों को राशन मिल रहा, फ्री मिल रहा, और क्या चाहिए। रोजगार मिला? रोजगार भी मिले हैं, काफी मिले। अखिलेश यादव की सरकार में मिला था? उनके में नहीं मिला था, योगी जी में मिली, जितनी उनके में मिली है। आगे बढ़ते जाते हैं, एक भैया जी मौजूद है मेरे साथ। भैया जी क्या लगता है 2022 के चुनाव में किसकी जीत होने वाली है? हमारे तरफ से तो बीजेपी की जीत होनी चाहिए। क्यों बीजेपी की जीत? हर तरह से कानून से भी, हर तरह से भी काम बढ़िया कर रहे हैं, दुनिया के अंदर नाम कमाया है बीजेपी ने, इससे ज्यादा और क्या होगा। योगी मोदी की जोड़ी बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, योगी मोदी की जोड़ी बहुत बढ़िया है और हमारे हिसाब से तो यही सरकार आनी चाहिए। अखिलेश की गुंडागर्दी सब कुछ खत्म करा है इन्होंने। अखिलेश की सरकार में क्या हुआ था? सारे भ्रष्टाचारी हैं उसमें, सारे गुंडे जो है सब उन्होंने उन्हीं को टिकट दे रखे हैं, भ्रष्टाचारियों को। आएगी जी हमारे। आगे बढ़ते हैं, लोगों से बातचीत करते रहते हैं। हाँ जी भैया क्या लगता है आपको 2022 में क्या होने वाले, किसकी सरकार बनने वाली है? बीजेपी की। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम करे है। जैसे कि
जैसे कि राम मंदिर बनवाए उन्होंने, सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं, राशन पानी भी दिए लोगों को और आगे भी देते रहेंगे। अखिलेश की सरकार की बात करूं तो मैं किसी के की मतलब विपक्ष के को मैं बात करूं, मैं यहाँ पे 10 साल की सरकार देखी होगी। हाँ, जो मौजूदा सरकार है उनकी बात कर रहा हूँ। 10 साल की सरकार देखी, अखिलेश की भी सरकार देखी होगी, योगी सरकार भी देखी, कौन बेहतर लग रही है? अभी तो फिलहाल योगी सरकार की अच्छी लग रही है, बिल्कुल। कुछ युवा मेरे साथ मौजूद है, मैं बातचीत करना चाहूंगी इनसे, 2 मिनट लूंगी आपके। 2022 के इलेक्शंस की बात करूं, किसकी सरकार बनने वाली है? आई थिंक बीजेपी। व्हाई? क्योंकि ऑन ग्राउंड कुछ भी हुआ हो, इन रियलिटी जो दिखता है वो बिकता है, और इस समय मोदी जी दिख रहे हैं और योगी सरकार दिख रही है, तो दिखेगा और बिकेगा, सिंपल एज दैट। कुछ विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? मैम वैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए है, जितना मैंने देखा है विकास हुआ है। जब मैं पहले दिल्ली से ट्रेवल करता था यूपी की तरफ, रोड ख़राब थी बिल्कुल, बट अब अच्छी हैं, डेवलपमेंट इस वे में हुआ है और सिंपल। सर कह रहे हैं विकास हुआ है, क्या लगता है योगी सरकार में कितना विकास हुआ है? मैम विकास तो होता रहता है, डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, तो इलेक्शन तो लोगों की चॉइस है, इट्स अ फ्री, बट दिस इलेक्शन इज गोना बी टफ। बट आज का यूथ की मैं अगर बात करूँ, किसकी साइड है, किसके इस सपोर्ट में है? मैम मैं तो नोटा पे वोट देने वाला हूँ, इफ़ दैट हेल्प्स, बिकॉज आई डोंट थिंक इनफ वर्क हुआ है, एंड इन एनी केस बहुत सारा काम अभी बचा है, सो जस्ट 5 साल में तो कुछ काम बचेगा ही ना? मैम 5 साल में नहीं होता, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट टेक्स लॉन्ग, उससे ज़्यादा टाइम लगता है, तो कंटिन्यूस प्रोसेस में अगर जो डेवलपमेंट होगा वो दिख जाएगा ग्राउंड पर, ग्राउंड रियलिटी आपके सामने। क्या लगता है डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ 5 सालों में? मैम बेसिकली मैं बताना चाहूँगा, मैं गाजियाबाद से ही हूँ और यहीं से रह रहा हूँ, बर्थ भी मेरा यहीं का ही है, और मैंने यहाँ तक देखा है इतना काम जो इस टाइम में हुआ वो नहीं हुआ, नहीं हुआ। बस, और मैं तो साफ बोलूँगा, हम तो भाई बीजेपी से खुश हैं और बीजेपी को ही वोट देंगे। बड़ी युवा का बीजेपी के सपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। स्टॉल पे मैं खड़ी हूँ, कबाब पराठे के स्टॉल पे। भैया जी कब से लगा रहे हैं स्टॉल? ये भैया बताएंगे, ये भैया 7-8 साल हो गया लगभग। 7-8 साल हो गए, कितनी सरकारें देखी अभी तक? अभी तो 2 सरकारें देखी। सरकारें देख लिया, आप बताइए अखिलेश और योगी जी की बात करूँ, कौन बेहतर है? हमारे लिए तो योगी जी बेहतर है। योगी जी क्यों बेहतर है? योगी जी सख्त मुख्यमंत्री है, थोड़ा सा कानून व्यवस्था भी टाइट है, हम लोगों को कानून व्यवस्था ही चाहिए, क्योंकि कोई खाए या ना जबरदस्ती करे पैसे ना, इस हिसाब से योगी जी ठीक है। कानून व्यवस्था अच्छी लगी? हाँ अच्छी। अखिलेश की सरकार में कानून व्यवस्था कैसी थी? थोड़ा सा लोकल लोगों की चलती थी, जो लोग। तो योगी जी जैसा कहते हैं बुलडोजर चल गया माफियाओं पे, सही कह रहे हैं? हाँ ये तो जरूरी है, जब लूट के बनाओगे तो ये चलना ही चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कमाई से बनाए थे, लूट के लोगों का बनाए थे, तो बुलडोजर तो चलना ही चाहिए, नहीं तो ऐसे हर कोई करना चाहेगा ना, तो ये तो बुलडोजर अच्छा है योगी जी का। तो आप संतुष्ट है 5 साल के कार्यकाल से? हाँ जी, योगी जी का तो कार्यकाल अच्छा रहा, थोड़ा सा महंगाई बढ़ा और तो सब ठीक था। तो खुश नजर आ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? जी सचिन शर्मा। सचिन शर्मा क्या करते हैं? मैं प्रोफेशनली बैंकर हूँ, तो बैंकिंग ही में ही जॉब। ठीक है, 2022 के यूपी चुनाव की बात करूं, क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है? देखिए नॉर्मली तो अगर देखा जाए तो बीजेपी ही, रीजन दैट की जो पिछले 5 साल में जो काम किए हैं बीजेपी गवर्नमेंट ने, दे आर द रियली रिमार्केबल। चाहे वो हमारा एक छोटी सोच को हटा के हमने कहीं ना कहीं मतलब भारत को आगे ले जाने के, चाहे राम मंदिर हो, देखिए हिंदुस्तान हिंदुओं का ही अपना देश है, और अगर वहाँ पे हिंदू अगर पीछे है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। बाकी जितनी भी पार्टी हैं वो एक जाति विशेष को ध्यान में रख के अपने समीकरण बिठालती हैं, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसको वो कहती है हमें उसके वोट नहीं चाहिए, बाकी सब हमारे अपने हैं, सो एटलीस्ट उस पर फोकस करके, और डेवलपमेंट भी हुआ है, चाहे रोड्स का हो, कोरोना के टाइम में कोविड जैसे है हर कंट्री में कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुए हैं, बट इंडिया में हम कोई बहुत डेवलप कंट्री नहीं थे, बट एटलीस्ट फिर भी हमने उनको अच्छी तरह से रेक्टिफाई किया, कोई भी मौत भूख की वजह से नहीं हुई, सब लोगों को चाहे गरीब था उसको खाने के लिए तो मिला ही एटलीस्ट, तो कोई भूख से नहीं मरा है, तो दिस इज़ अ रिमार्केबल जॉब फ्रॉम मोदी गवर्नमेंट एंड योगी गवर्नमेंट। ठीक है, लोगों से बातचीत करते हैं। भैया जी क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ जी क्या करते हैं? मैं मेडिकल सेक्टर में हूँ, सेल्स में काम करता हूँ। मेडिकल क्षेत्र की बात करूँ, कितना विकास हुआ है योगी सरकार में? बहुत विकास हुआ है मैडम, कोरोना जैसे आया था तो 4,000 की कोविड की टेस्टिंग हो रही थी, इतना विकास हुआ कि 300 तक आ गया उसका प्राइस, है ना, हर जगह हॉस्पिटल्स बन गए, है ना, और आपके ऑक्सीजन प्लांट्स बन गए हर जगह सारे हॉस्पिटल्स में,
मौतें कम हुई मैडम, तो विकास तो मैम बहुत हुआ। मेडिकल क्षेत्र में बहुत विकास हुआ, अखिलेश सरकार में हुआ था विकास? नहीं मैडम, एम्स गोरखपुर कहाँ बना था? अखिलेश सरकार में बना था या फिर योगी जी की सरकार में बना था बताइए। और फिर हर हॉस्पिटल्स में मेडिकल कॉलेज खोलने का जो प्लान था वो योगी जी का था, तो अखिलेश सरकार में कहाँ हुआ? और जितने भी जिला अस्पताल हैं वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लग गया है, ये योगी जी का है कि नहीं है बताइए। तो बायोटेक में फिर से मेडिकल सेक्टर में हर चीज़ में विकास हुआ है मैडम। बहुत अच्छी बात कही, मेडिकल क्षेत्र में बीजेपी में बहुत विकास हुआ है उनका मानना है। आगे बढ़ते हैं भैया जी, आपसे दो मिनट चाहूंगी, क्या लगता है 2022 के चुनाव में किसकी जीत? मैं हमारे महाराज जाएंगे, योगी जी एंट्री मारेंगे, चाहे कितने जोर लगा लियो, कितने चढ़ा लियो। मैंने बहुत विकास हुआ, रोड बनी अच्छी खासी, सारी मेडिकल खुल गई जितने भी हैं, कोरोना में बहुत रोकथाम करी उन्होंने, साइकिल तो क्या रही ना कहीं भी, यहाँ तक हमारे महाराज जी एंट्री मारेंगे, शपथ लेंगे, राज तिलक उनका ही होएगा। तो सपा की साइकिल का क्या होगा? वो तो सपा पहले ही बड़ी है, पिंच ही टूटा पड़ा उसमें तो। और मायावती की बात करूँ तो हाथी का तो सोनी टूटगा, योरा मारेंगे हाथी पार्क में, हाथी आएगा साल का पेट खाया कर रखा किसी ने। मायावती नहीं है कहीं भी मैडम? कहीं भी नहीं है कहाँ? अच्छा आपको कहीं भी दिखता है हाथी? मायावती तो सीट उनका तो जमानत जब्त होने वाला है मायावती जी की, और वो अरविंद केजरीवाल जी जानबूझकर। ये तो बाकियों की बात हो गई, प्रियंका गांधी की बात करूँ, लड़कियों लड़ सकती हूँ? कांग्रेस कहाँ है? किसी भी यूथ से पूछ लीजिए कांग्रेस को वोट देगा, कोई नहीं देगा। और प्रियंका काटेगी जरूर, काटेगी जरूर लड़कियों को, इसने क्या कहते हैं लोग, वो अच्छा दिया है जो स्लोगन दिया है, क्या कहते हैं लड़कियों लड़ सकती हूँ हाँ, पर ये नहीं कि जीत नहीं सकती, मतलब वोट कटेगी थोड़ी ये। आपका क्या कहना है? बेटा हमारे तो महाराज जी आएंगे, जा कुछ नहीं कर लो, साइकिल में तो पिंचर हुआ ही पड़ा है, मायावती लड़ रही है, मजबूरी है उसकी, लड़ना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी बैठ जाए कोई, हल्का बहुत टक्कर दिखानी पड़ेगी। मर गया जाड़े में, साइकिल टूट गई कबाड़े में, और हाथ पड़े हैं नाले में, कमल खिलेगा अखाड़े में। कमल का दबदबा बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। आगे बढ़ते जाते हैं, लोगों से पूछते जाएंगे, एक महिला मौजूद है मेरे साथ, मैडम क्या नाम है आपका? शिखा दीक्षित। शिखा दीक्षित क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। मैम अगर स्कूल और शिक्षा की बात करूँ, कितना विकास हुआ योगी सरकार में? एक्चुअली मैं यूपी में तो हूँ नहीं टीचर, मैं दिल्ली गवर्नमेंट में हूँ, बट मुझे यूपी में तो सही लगता है, बेटर है, क्योंकि मैं रही हूँ यूपी में शुरू से, तो मुझे पहले से अब में ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे योगी सरकार का काम अच्छा लगता है। अब गुंडा राज ख़त्म हो गया है, वहाँ पे जो अपनी मनमानी चलती थी वो बिल्कुल नहीं है अब, तो मुझे बेटर है, और अभी भी अब की बार भी योगी सरकार। अब की बार योगी सरकार क्या लगता है? बिल्कुल मैम योगी सरकार। क्यों? अगर आप काम के उसमें भी देखिए तो योगी ने जो काम किए हैं, वो योगी जी ने जो काम किए हैं वो कंपेरेटिवली मायावती जी की सरकार या वो या सपा की सरकार थी उसके कंपैरिजन में योगी जी के काम ज़्यादा अच्छे हैं। आप चाहे रोड देख लीजिए या आप सिक्योरिटी देख लीजिए, इवन मुझे ऐसा लगता है कि पहले के जमाने पहले जो थे लोग की गुंडागर्दी ज़्यादा चलती थी, चाहे पुलिस की भी गुंडागर्दी, आप लोगों को पता है पुलिस की भी गुंडागर्दी बहुत चलती थी, अब काफ़ी डिसिप्लिन्ड है। एक दो अपवाद हर जगह होते हैं, मैं नहीं बोलता उसके बारे में, लेकिन हर जगह पे कुछ न कुछ रहता है, उसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो ये 5 साल ज़्यादा अच्छे। तो मायावती हैं इस चुनावी रेस में कहीं कि नहीं? मुझे तो नहीं लगता। नो मैम, बिल्कुल बाहर कहीं कोई चांस नहीं, कुछ भी नहीं, मायावती जी का कहीं अब नाम भी नहीं है, सिर्फ योगी जी का, सिर्फ योगी जी का, ठीक है। ऑब्वियसली योगी जी और सपा में हैं, अखिलेश जी हैं, लेकिन सरकार तो योगी जी की बनेगी, सरकार योगी जी की बनेगी। आगे बढ़ते जाएंगे, गोलगप्पे वाले स्टॉल पे मैं मौजूद हूँ, भैया दो मिनट बात करेंगे, क्या लगता है योगी सरकार अच्छी है अखिलेश की सरकार अच्छी? अखिलेश वाली सरकार अच्छी है। क्यों अखिलेश की सरकार क्यों अच्छी है? काम कर रहा है भैया जी, क्या लगता है 2022 होने वाला है? हमारा तो लड्डू सही है, बस लड्डू सही है, अरे किसी की सरकार तो अच्छी लगती होगी, सरकार से कर ले तो। सरकारी तो कुछ फायदा देती है कि नहीं देती है? अरे देती है। क्या पतो कुछ चलिए, सब कुछ बा योगी में, सब कुछ बा योगी में। योगी जी अच्छे लगते हैं आपको? हाँ। कौन है योगी जी? मोदी जी है। मोदी जी कौन है? प्राइम मिनिस्टर। बुक स्टॉल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, भैया जी दो मिनट आपका टाइम चाहूंगी, 2022 के चुनाव की बात करूँ, क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है? तो मोदी को देंगे। मोदी को देंगे, क्यों? बस मोदी है। किस क्षेत्र में विकास हुआ है? विकास तो हर क्षेत्र में हो रखा है। अखिलेश की सरकार में हुआ था? तो नहीं हुआ कभी। योगी मोदी, विकास की गंगा बह रही है कि नहीं बह रही? बह रही है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भैया जी से जानना चाहूंगी, भैया जी क्या लगता है 2022 के चुनाव में किसकी सरकार जीत रही है? मेरे को तो वैसे भाजपा की लग रही है। भाजपा की क्यों? उसकी ज़्यादा वो अट्रैक्टिव हो रही है उसकी तरफ पब्लिक, और ज़्यादा वो संघर्ष कर रही है, और बीजेपी की तो उसका देखने में आ ही रहा है जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीजेपी की जो सरकार है उस पर काफ़ी पब्लिक भड़क रही है, और उनके कामों को लेके करा अच्छा है लेकिन पब्लिक की जो सोच है वो देखने में मिल रही है। भैया जी क्या लगता है 2022 में क्या होने वाला है, मतलब किस सिलसिले में बीजेपी आएगी या अखिलेश आएंगे? 100% फॉर श्योर। क्यों? बीजेपी ने इतने सारे काम किए हैं, जैसे कि हर जगह, मतलब कानून व्यवस्था देखिए इतनी अच्छी करी है, पढ़ने लिखने में वो भी सब कुछ बढ़िया किया है, मिड डे मील की व्यवस्था हुई है, सारी चीज़ें अच्छी हुई है, तो बीजेपी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, बीजेपी फॉर श्योर आएगी ही आएगी। किस क्षेत्र में आपको लग रहा है सबसे ज़्यादा विकास हुआ? हर क्षेत्र में हुआ है, अगर आप वैसे देखो तो हर क्षेत्र में हुआ है, रोजगार में हुआ है, रियल इस्टेट में भी हुआ है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई में भी हुआ है, बाकी इंडस्ट्री वगैरह उन सब में भी हुआ है। आप उसके बाद अचीवमेंट तो आप कई सारे हैं, वो तो फिर नेता लोग भी बताएंगे, तो हमारा बोलना ठीक नहीं है, बहुत सारे अचीवमेंट करे हैं उन्होंने। तो ये है विंडसर मार्केट की जनता का मूड। अब जानना ये होगा कि 10 मार्च को क्या होता है, लोग किसकी साइड जाएंगे, लोग किसको वोट करने वाले हैं, वो 10 मार्च को पता चल जाएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी, कैमरामैन भोला के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।